भी कर रखे, फिर से कर रखे, 223 के आसपास हो, 3000 रुपए गायनेक पीडियाट्रिशियन उन तीनों में से। नहीं, बजट की कमी का कोई इस तरह का इशू नहीं है, इनके जिस तरह से डिमांड होती है वो नियमित रूप से हम इनको देते रहते हैं। अब इन्होंने कोई बिंदु उठाया तो उसकी हम जांच करेंगे, और जांच करने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे हमें, हम इसको देखेंगे कि हम इनको जल्दी से जल्दी फंड्स अवेलेबल कराएँ। सर, कई कमियाँ भी देखने को मिली अभी, जैसे कई CMHO है जो जितनी भी डेथ नहीं, डेथ के कारण तो है उनके पास, उसकी नियमित बैठकों की बात हो रही थी, वो नियमित बैठक करके उसको हम जल्दी से जल्दी इसका डिस्पोजल करें, क्योंकि हर डेथ एनालिसिस होती है और निश्चित रूप से होती है, हर जगह हो रही है, उसका बस हम ये ध्यान रखते हैं कि उसका मीटिंग्स टाइम पे हो जाए। सर, कोई नई योजना नहीं, अभी तो हम जो पुरानी जो वर्तमान में जो योजना चल रही है उन्हीं की समीक्षा कर रहे हैं। नहीं, बैठक में क्या कमी निकल कर आई है? कमी अभी हम लगातार, पहला ही हमारा मैटरनल हेल्थ का ही जो इशू है उसी को हम अभी डिस्कस किया है, बाकी के अभी और भी डिस्कशंस होंगे। आपका परिचय? मैं सुधीर शर्मा, मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन। बेसिकली ये जो आज हमारी जो बैठक हुई है, ये नियमित समीक्षा हम वैसे VC के माध्यम से करते रहते हैं। हमारा प्रयास ये था कि हम डिस्ट्रिक्ट मतलब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जाएं और वहाँ संबंधित CMHOs हैं, डिवीजन से संबंधित CMHO, ब्लॉक CMHOs हैं, उनके संग 1-to-1 बैठ करके हम जो अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनकी हम समीक्षा करें। सर, कितने से समीक्षा बैठक में क्या निर्देश दिए हैं? समीक्षा बैठक में मेरे हम जयपुर से हमारे अधिकारियों की टीम आई हुई है, जिसमें मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन और जो दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं उनके सब प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं। तो इन सब बिंदुओं पर हम एक एक करके समीक्षा कर रहे हैं, और जहां हम ब्लॉक वाइज समीक्षा डिस्ट्रिक्ट में हमको लगता है कि किसी तरह का गैप है, उस गैप को हम अपने मार्गदर्शन में अपने सपोर्ट के द्वारा हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। आज जोन लेवल का रिव्यू किया जा रहा है, इसमें MD NRHM और स्टेट के जो हमारे परियोजना PD प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं वो आए हैं। मैटरनल हेल्थ है, क्वालिटी एश्योरेंस है, RBSK है, टीकाकरण है, जो हमारे NHM की जितनी भी गतिविधियां हैं उनके PDM हैं और PD's प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, साथ में हमारे जो MD NRHM है वो हैं, और साथ ही सारे चारों ज़िलों के CMHOs हैं, RCHOs हैं, और सभी ब्लॉक से BCMO को बुलाया गया है। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल हमारे जोन के लिए रहेगी। हमारे कुछ ऐसे चिकित्सा संस्थान CHC PHC हैं जहाँ हमारे NHM गतिविधियाँ या जो हमारे लगती गतिविधियाँ पुअर हैं, उनको यहाँ एक बैठ के मंथन किया जा रहा है, और इसका आने वाले समय में अच्छा परिणाम निकलेगा। किस तरह की गतिविधि? जिस तरह कई जगह ANC रजिस्ट्रेशन जो हम कहते हैं, गर्भवती महिला का आपने पंजीकरण कर लिया, लेकिन पंजीकरण करने के बाद उसका जो फॉलोअप होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, कि हम जैसे तीसरी चौथी जांच की बात करते हैं तो तीसरी चौथी जांच पे महिला आ नहीं पाती है, या जो हमारी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है उसका डिलीवरी तो होगी लेकिन उस डिलीवरी को ऑनलाइन नहीं किया गया। तो इस तरह की कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जहाँ हमारे पुअर आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं, कुछ हमारे ऐसे टोंक नागौर में ऐसे कुछ आइडेंटिफाइड संस्थान हैं, तो उस पर एक मंथन किया जा रहा है और इसका परिणाम अच्छा निकलेगा। आपका नाम? मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जॉइंट डायरेक्टर एज ए अजमेर मेडिकल जोन।